नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और आज मैं लाया हूँ एक अलग एक यूनिक सा वीडियो। जैसे कि आप सबके कमेंट आ रहे थे कि सर भर्ती के बारे में बताइए जो इस समय चल रही है, लेटेस्ट भर्तियों के बारे में, तो मैं ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक संडे को आपको एक वीडियो मिलेगा जो लेटेस्ट जितनी भी भर्तियाँ चल रही हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मैं हूँ दीपेन, आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे चैनल सीपी ज्ञान में। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस समय की चल रही लेटेस्ट वैकेंसियों के बारे में। आपको कौन सी वैकेंसी अच्छी लगी या आप किस में फॉर्म भरना चाहते हैं, इसकी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस हफ्ते की पहली वैकेंसी के बारे में मैं बताऊँ, ये जो है यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर करें अप्लाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली है वैकेंसी और पद है इनकम टैक्स ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर और अन्य और भी है। इसके अलावा कुल 214 कुल पद हैं और आयु सीमा दी गई है 20 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष। आवेदन शुल्क जो दिया गया है ₹850 व SC/ST कैंडिडेट के लिए मात्र ₹175। पात्रताएँ विभिन्न पदों के लिए अलग अलग है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2021 तक है इसकी लास्ट डेट और इसमें जो भर्ती प्रक्रिया होगी चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और इसमें इंटरव्यू भी होगा। और इसकी पहले आवेदन तिथि 17 दिसंबर थी जिसको बढ़ाकर 30 दिसंबर 2021 तक किया गया है। अभी भी जो लोग इच्छुक हैं इस बैंक के लिए वो डाल सकते हैं इसमें फॉर्म। और इसकी ये वेबसाइट है centralbankofindia.co.in, इस पर आप जाकर विजिट करें और तभी कोई अपना निर्णय लें। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती निकली हुई है। ये मुख्य परीक्षा जो कि UP SSC के द्वारा निकाली गई है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है। ये बहुत ज़्यादा भर्ती है, 9212 यानी 9212 कुल पद हैं और महिला स्वास्थ्यकर्ता के ये पद हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उन्हें आयु में नियमानुसार छूट होगी OBC SC/ST को। आवेदन शुल्क ₹25 है जिसको ऑनलाइन आपको पेड करना है और मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं 10वीं उत्तीर्ण की हो, ANM का कोर्स किया हो, PET 2021 परीक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें वेतन भी दिया गया है 21,700 से 69,100 यानी तीसरा स्तर आएगा इसका जो सातवां वेतन आयोग वाला। और इसकी आवेदन 5 जनवरी 2022 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें चयन के लिए आपको लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 अंकों की होगी और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी मेन वेबसाइट है www.ssc.gov.in, इस वेबसाइट पर लॉगिन जाएं और इसके बाद इसके बारे में और अधिक जानकारी पाएं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी निकली है टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL पर। कुल पदों की संख्या है 300। आप इसमें यदि आप इच्छुक हैं तो आप इसमें भी फॉर्म डाल सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर है के पद है, आयु सीमा है 30 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष और जो है आयु की गणना 30 नवंबर 2000 यानी कि 30 नवंबर तक आपकी आयु जो है 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आवेदन शुल्क जो है अलग अलग संस्थान के नियमानुसार निर्धारित है और पात्रताएं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिग्री होना आवश्यक है। आप आवेदन ऑनलाइन भेज सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2021 है यानी 2 या 3 दिन और शेष हैं। यदि आप अभी भी फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाएं ECIL.gov.in, इस पर जाएं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी वहां से आपको मिल सकती है। सभी वैकेंसियों के फॉर्म भरने से पहले एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाकर विजिट करें, तभी आगे का फॉर्म भरें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको इसके बारे में कोई जानकारी लेना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। जय हिंद, जय भारत।